वेलकम अंजुम के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आदाब दोस्तों, तो चलिए आज बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही डिलीशियस सी सब्जी जिसका नाम है भिंडी, और साथ में डालेंगे हम पीनट का मसाला। तो ये जो है खास तरीके से जो पीनट होते हैं जब इसमें डालेंगे तो ये बहुत ही उम्दा बनती है। तो चलिए बनाते हैं पीनट वाली भिंडी। यहाँ पे हमने भिंडी को खूब अच्छे से वॉश कर लिया। अच्छे से वॉश करने के बाद एक टॉवल पे लग के इसे हम इस तरीके से टैप कर करके पोंछ लेंगे ताकि बिल्कुल भी पानी ना रहे। अगर पानी रहेगा तो इसमें लेस पैदा हो जाएगा और फिर जो आपकी लेडी फिंगर है, जो भिंडी है, जो ओखरा है, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी सी बनेगी। तो इसी तरीके से सारे पानी को आप सूखो लीजिए। तो चलिए, अच्छे से पानी सूख चुका है और अब हम इसे इस तरीके से दो दो इंच या एक एक इंच के हिसाब से कट कर लेंगे इस तरीके से। तो चलिए, सारी भिंडी को इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारी सारी भिंडी कट चुकी है। अब इसका तैयार करते हैं बहुत प्यारा सा मसाला। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने फ्राई पैन को रख दिया है और इसमें हम डाल रहे हैं मूंगफली के दाने, पीनट। इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे और भूनने के बाद इसके कवर को साफ कर लेंगे। तो अच्छे से हमने इसके सारे कवर जो है इसे साफ कर लिए। चलिए बनाते हैं हम मसाला इसको एक मिक्स। सबसे पहले हम अपने छोटे से मिक्सी में डाल देते हैं सारे मूंगफली के दाने। बहुत मज़ेदार सी भिंडी बनती है ये। अक्सर सोचते हैं कि रोटी के साथ क्या खाया जाए, तो उसके लिए बहुत ही प्यारी सी सब्ज़ी है। तो यहाँ पर हमने मूंगफली को डाल दिया। इसमें डाल देते हैं भिंडी के मुताबिक जल्दी से मसाले। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी। इसमें चला जाएगा 1 भर के मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पर चल जाएगा 1 टीस्पून धनिया का पाउडर। इसमें चला जाएगा नमक जो कि 1/2 टीस्पून है, और इसमें जाने वाला है खटास और जायका बढ़ाने के लिए आमचूर का पाउडर जो कि हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून। सारी चीज़ें हो गई, जल्दी से बंद करते हैं और सिर्फ एक बार इसे घुमा लेंगे, एक या दो बार। हमें इसे बारीक नहीं पीसना है, दरदरा सा पीसना है। चलिए पीस लेते हैं। तो चलिए देखिए, हमने इसे पल्स पे चलाया है सिर्फ एक दो बार रुक रुक कर, तो उससे मूंगफली का जो है तेल नहीं निकलेगा और ये हमारा मोटा मोटा सा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। चलिए इसे अब बघारते हैं भिंडी में। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अपनी गैस को ऑन कर दिया, अपनी वॉक को भी यहाँ पे रख दिया है। इसमें हम ऐड कर देते हैं 1-4 टेबल स्पून के करीब ऑयल। जैसे ही गर्म होगा तो हम डालना शुरू करेंगे मसाले। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून जीरा। थोड़ा सा आप ज़्यादा डालें तो भी अच्छा ही लगता है, जो खुशबू होता है जीरे की, और डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम पकने देते हैं ताकि प्यारी से खुशबू आ जाए, ये चटक जाए। और इसमें हम ऐड कर देंगे भिंडी। यहाँ पर हम प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत झटपट मसालेदार हमारी भिंडी तैयार होगी। अक्सर सोचते हैं कि रोटी के साथ साइड में क्या सब्जी खाई जाए जो मज़ेदार भी हो और सूखी सूखी भी हो, तो बस ये जो सब्ज़ी है इसी तरीके की होती है। तो यहाँ पे हमें जीरे की बहुत प्यारी से खुशबू आ रही है। जीरा जो है हमारा पक चुका है, हम इसमें ऐड कर देते हैं भिंडियाँ। इसे हम कम से कम 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे ताकि इसमें लेस ना आए, जब तक ये 80% ना पक जाए। तो ये देखिए, हमारी जो भिंडियाँ खूब अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्राई हो चुकी है और जीरे की भी बहुत ही उम्दा सी खुशबू आ रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं नरम हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। अभी आप कह सकते हैं कि ये 70% तक गल गई है और थोड़ा सा और मसाला डालने के बाद ये पकेगी। वैसे भी जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो थोड़ा सा सब्ज़ी को कच्चा ही रखें ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे तरीके से ख़त्म ना हो। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे सूखे पीनट के मसाले। तो चलिए, जो पीस के हमने मसाला रखा था वो अब इस भिंडी पर डाल देते हैं। सारा मसाला डाल दीजिए क्योंकि ये सूखा सूखा सा भुनेगा। इसमें मूंगफली है और ये रोटी के साथ बहुत ही उम्दा लगेगा। वैसे इसमें ऑलरेडी नमक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते हैं क्योंकि नमक कभी भी ना ज़्यादा होना चाहिए और ना कम, नहीं तो जायका जो है बिगड़ जाता है। बस अब इसे हम फिर से 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं और तैयार हो जाएगा हमारा पीनट मसाले वाली भिंडी। तो ये लीजिए दोस्तों, भिंडी पीनट मसाला बिल्कुल रेडी है और हमने चख के देखा है, इस गज़ब की सब्ज़ी बनी है ये। रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगेगी।
चलिए इसे अब हम निकालते हैं अपनी सर्विंग डिश में। तो लीजिए, हमने इसे प्यारे से डिश में निकाल दिया। चख के देखा, बेइंतहा उम्दा बनी है, ज़रूर बनाइएगा। आमचूर की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि खट्टी खट्टी सी ये जो भिंडी है बहुत ही मज़ेदार लगती है। गर्म गर्म रोटी या गर्म गर्म पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगेगी। दोस्तों, बनाइए, खाइए, आपको अच्छे लगेगा तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई आसान सी उम्दा सी जल्दी बनने वाली रेसिपी के साथ। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और हमें दुआ में याद रखिए।